You can also participate and be eligible for winning these awards. It is very simple. Simply download the Samju learning app, join us on Telegram, and if you want to know more about Samju means answer writing programs map 2021, all the links are in description. So get started today onwards. Right, so let us evaluate yesterday's best answer. Right, so day 6 question hai identify the constraints faced by the local governments in service delivery. Give suitable measures to counter them. टू फिफ्टी वर्ड्स फिफ्टीन मार्क्स बेस्ट आंसर ऑफ द डे वॉज बाय तारीख अब बिक शॉर्ट आउट यू तारीख आंसर को एवेल्युएट करते हैं बट उससे पहले आज की पार्टिसिपेशन देखते हैं विच वॉज़ ह्यूज आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू जिस हिसाब से आप पार्टिसिपेशन कर रहे हो आई एम श्योर कि आपको एक महीने के अंदर ही प्रोग्रेस देखनी शुरू हो जाएगी ऑलमोस्ट थाउजेंड कमेंट्स हमने टच किए हैं फॉर दर्स्ट टाइम दिस सीजन और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स लिखे हैं बहुत आंसर्स मैंने पढ़े एंड इवेंचुअली आई रियलाइज की सबकी क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होनी स्टार्ट हो गई है राइट तो आंसर पर आते हैं और एवेलुएट करने से पहले एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे आपको आंसर लिखना था बात यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की हो रही है इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है नाइनटीन फिफ्टी नाइन ऑनवर्ड आ गया था इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस सेवेंटी और सेवनटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से दिया गया था और ये आपको सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिखना है सेवेंटी थर्ड सेवेंटी फोर्थ कॉन्टीट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट चाहो तो ये लिख सकते हो कि दीज एक्ट आर कंसिडर्ड एज हाफ बेग्ड केक्स क्योंकि इसमें लूपोल्स बहुत सारे हैं प्रॉपर टीथ नहीं दिए गए हैं लोकल गवर्नमेंट को और लगभग तीन डेकेड्स होने के बाद भी कुछ कंस्ट्रेंट देखने को मिले हैं विच आर देन यू कैन स्टार्ट अबाउट दी कॉन्स्ट्रेंट बॉडी स्टार्ट हो जाएगी सबसे पहले आप बात कर सकते हो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की देखो लोकल गवर्नमेंट्स कैन आइदर रेज रेवेन्यू थ्रू लोकल टैक्सेज और दे कैन रिसीव इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स ऊपर से इनके पास ट्रांसफर्स आते हैं पैसा आता है डेवोल्यूट होता है इनको काफ़ी ज्यादा टैक्सेशन पावर्स नहीं दी गई हैं टैक्सेशन पावर्स लोकल गवर्नमेंट के पास कंपेरेटिवली कम होती हैं ज्यादा होने की जरूरत है थोड़े टाइम पहले इकोनॉमिक सर्वे में यह भी आया था दैट पंचायत रिसीव नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द रेवेन्यूज फ्राम द डिवाल्व फंड फ्राम देंटर एंड द स्टेट वाइल जनरेटिंग ओनली फाइव परसेंट फ्राम दर ओन रिसोर्सेज और ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज दोनों की बात कर रहे हैं और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होते हैं इनकी जो रिपोर्ट्स हैं ये भी रेगुलरली असेंबली में लेजिस्लेटिव असेंबली में प्लेस नहीं की जाती हैं प्रॉपरली कंसिडर नहीं की जाती हैं फिर उसके बाद यू कैन टॉक अबाउट फंक्शनल कंस्टेंट्स ऑल्सो फंक्शनल कंस्टेंट में आप क्या लिखोगे फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन टॉक अबाउट

उसके बाद यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द फैक्ट कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर ज़्यादा है तो कई बार ये स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बना देती हैं स्मार्ट सिटीज़ के एग्जांपल में भी आप कह सकते हो कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए टास्क फोर्स बना दी है जिसके पावर्स और उसके फंक्शंस पैरल चल रहे हैं टू द लोकल बॉडीज और ओवरलैप भी हो रहे हैं कभी एग्रीकल्चर हेल्थ एजुकेशन इन सब फील्ड्स में भी हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जिसकी वजह से लोकल बॉडीज़ की जो एरिया है वो स्क्वीज हो जाता है इनकी क्षमताएँ घट जाती हैं एंड देन यू कैन टॉक अबाउट दी फंक्शनरी कंस्ट्रेंट्स एक तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डिफाइन करते हैं कि तो कैसे काम करना है ऊपर से इनका जो लोकल गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरीट है जो स्टाफ है इट इज अंडर स्टाफ अंडर स्किल्ड इसलिए जो इलेक्टेड बॉडी है ये ठीक से काम करवा नहीं पाती है इलेक्टेड बॉडी के पास इतनी नॉलेज नहीं होती है खुद से परफॉर्म करने के लिए टास्क बाबू लोग तो चाहिए सब जगह ऊपर से पॉलिटिकाइजेशन भी होती है सरपंच पति या प्रधानपति का जो माहौल बन गया है फॉर रिजर्व सीट्स जो कि वेमेन के लिए रिजर्व होती हैं उनके हस्बैंड पूरा पॉलिटिक्स संभालते हैं पूरा काम संभालते हैं एडमिनिस्ट्रेशन भी इससे हर्डल्स होती हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी देन यू वुड टॉक अबाउट दी मेजर्स क्या क्या होना चाहिए सबसे पहला है कि स्टेट्स को इंसेंटिवाइज़ करो कि वो और ज़्यादा पावर नीचे दें फंक्शंस डेवल्यूट करने हैं फाइनेंसिस करने हैं फंक्शनरीज करनी है टू दी लोकल गवर्नमेंट्स ये डेवोल्यूशन तो होना चाहिए और इसमें स्टेट गवर्नमेंट की ज़्यादा रोल होने की ज़रूरत है उनकी इच्छा होने की ज़रूरत है देन यू कैन टॉक अबाउट एक्टिविटी मैपिंग जैसे सेकेंड एआरसी रिपोर्ट ने यह बोला था कि क्लियरली डिवाइड कर द रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीजीजी ऑफ डिफरेंट ईय ऑफ द गवर्नमेंट सबको पता होना चाहिए किस क्या काम है और उसमें ओवरलैपिंग बड़े लेवल पर मत करो यू कैन टॉक अबाउट द प्रिपल ऑफ सब्सडेरिटी विच टॉक्स अबाउट डिवॉल्विंग फंक्शन टू द लोएस्ट पॉसिबल लेवल वेर इट कैन भी परफॉर्म्ड इट शुड भी स्ट्रिक्टली फॉलोड कपैसिटी बिल्डिंग के बारे में आप बात कर सकते हो कैपैसिटी बिल्डिंग किसकी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफिशियल फंक्शनरीज दिस इज नेसेसरी ताकि अपने काम अच्छे से कर सकें थोड़ा बहुत आप चाहो तो स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में कह सकते हो कि इनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है इससे बेटर फंक्शनिंग होगी लोकल गवर्नमेंट्स की द लोकल बॉडीज कैन बी इनकेज टू बोरो फ्रॉम द मार्केट एंड कलेक्ट मोर टैसेज टू फाइनेंस दर स्कीम्स उसके बाद यू कैन टॉक अबाउट प्रोग्रेसिव मैकानिजम्स लाइक सोशल ऑडिट सिटीजन चार्टर अम्बसमेंट स्कीम इनको प्रमोट करना चाहिए इतने सारे आप पॉइंट लिखोगे तो आपका आंसर कंप्लीट होता हुआ आ सकता है जो ज्यादा बल्क है आपको वो कंस्ट्रेंट्स में करना होगा कंस्ट्रेंट्स आप बहुत सारे गिना सकते हो और मेजर्स आप बहुत ज्यादा नहीं बताओगे पांच छह सात पॉइंट्स में आप मेजर्स रैप अप करने की कोशिश करोगे सॉलिड पॉइंट्स होने चाहिए ये भी आप बात कर सकते हो कि बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए इन प्लानिंग इंस्टेड ऑफ टॉप डाउन अप्रोच राइट सो अब हम बेस्ट आंसर को रिव्यू करते हैं आज की सबसे पहली चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आंसर वर्ड लिमिट के अंदर है बट अभी मुझे डाउट हुआ है देख के कि कहीं ये टेन मार्क्स के हिसाब से नहीं लिखा गया है अगर टेन मार्क्स के हिसाब से तो ये लेन दिया है बट आंसर फिफ्टीन मार्क्स के हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से दी आंसर इज इन साइड वर्ड लिमिट विच इज गुड इंट्रोडक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना चाहिए परफेक्टली इंट्रोड्यूस्ड आंसर जहाँ पे आप अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हो अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उससे आगे बढ़ के इमिजिएटली यू जम्प ऑन टू दी बॉडी जहाँ पर आप कंस्ट्रेंट बताना शुरू करो कंस्ट्रेंट यहाँ पर छह लिखे हुए हैं एक दो पॉइंट मिस भी हुए हैं वो भी हम, हम देखेंगे सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है लैक ऑफ एडिकुएट डेवल्यूशन ऑफ अथॉरिटी बिल्कुल ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में आप लिखो तो अच्छा रहेगा जैसे ये लिखा हुआ है विच इज़ गुड डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट फंडिंग इसमें थोड़ा टैक्सेस कीवर्ड अगर आप यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा कि रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस इज लो एमरजेंसी ऑफ पैरल गवर्नमेंट्स वही स्पेशल पर्पस व्हीकल के बारे में बात की हुई है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन करप्शन टॉप डाउन अप्रोच पूर इंफ्रास्ट्रक्चर आप लिख रहे हो तो यहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी आप लिख सकते हो इन एफिशेंसी एडिकुएट स्ट्रेंथ ना होना ये सब चीज़ें भी लिख सकते थे एक दो पॉइंट्स और मैंशन कर सकते थे यहाँ पर वर्ड लिमिट के आप अंदर हो तो यू कुड अफोर्ड टू राइट वन और टू मोर पॉइंट्स फिर मेजर्स में अब इस आंसर में मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि क्लियरली मुझे पॉइंट्स दिख रहे हैं और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही लास्ट टाइम जो मैंने एक बार किसी को बताया था वीडियो में कि आपको मल्टीपल पेन या मल्टीपल कलर्स यूज करने की ज़रूरत है कि नहीं यहाँ पर अगर आप देखो एक कलर यूज़ किया हुआ है और उसमें बॉक्सेस बना के क्लियरली पता लग रहा है कि क्या समझना है और क्या पढ़ना है क्या इग्नोर कर देना है और एक आंसर को अगर चेक करने में मुझे कम टाइम लग रहा है और सेटिस्फैक्शन हो रही है कि पॉइंट सारे लिखे हुए हैं एडिक्वेटली तो उसको डेफिनेटली एक मार्क एक्स्ट्रा तो कोई भी दे ही देगा अच्छी प्रेजेंटेशन होनी बहुत ज़रूरी है और अच्छी प्रेजेंटेशन का मतलब बहुत ही ज्यादा फ्लैम करना नहीं है आंसर को सिंप्लिसिटी के साथ भी अच्छी प्रेजेंटेशन की जा सकती है ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मेजर्स में मनीशंकर अय्यर कमेटी ने सजेस्ट किया था कि ग्राम सभा शुड बी एम्पावर टू मॉनिटर एंड मेक डिसीजन ऑफ ऑल सोशल सेक्टर स्कीम्स देन जेनुन फिजिकल फेडरलिज्म की जो आपने कमियाँ बताई हैं उसी के आप सोल्यूशन देना चाह रहे हो एक्टिविटी मैपिंग ट्रेनिंग ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स ये वाला पॉइंट जैसे आपने मेजर्स में बताया है इसी पॉइंट को आपको कंस्टेंट्स में भी एक बार मेंशन कर देना चाहिए था इफेक्टिव ऑडिटिंग नीड फॉर बॉटम अप प्लानिंग मोर लेस जो छ पॉइंट्स हैं वो सही से कवर किए हुए हैं एंड देन फाइनली यू राइट अ कंक्लूजन ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड आंसर मुझे ऐसा कुछ भी कॉन्टेंट कॉन्टेक्स्ट या फैक्चुअल एरर नहीं दिखाई दिया कोई अननेसेसरी स्टेटमेंट नहीं दिखाई दी दि, छोटे सेंटेंसेज हैं छोटे पॉइंट्स हैं सही स्ट्रक्चर है बीटिंग अराउंड द बुश नहीं है जो डिजायर्ड और रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं वो सबसे पहले लिखे हुए हैं अच्छा आंसर यही होता है बट सिंस कुड बी वन और टू मोर दे कुट है इसमें थोड़ा सा और एडिशन की जा सकती थी थोड़ा सा अगर आप और डेटा फैक्ट्स लेकर आते तो शायद ये और इम्प्रूव हो सकता था बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस आंसर को आप इम्प्रूव करने में बहुत मेहनत करोगे ऐसा आंसर आप एग्जाम में लिख के आ जाओगे तो रेस्ट अश्योर्ड आपको अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे और एक्सीलेंस के पीछे इतना नहीं भागना है कि आप जो मिसिंग एरियाज हैं जो आपके मिसिंग पॉइंट्स हैं जो आपके टॉपिक्स हैं या जो स्किल्स आपने अभी अक्वायर नहीं किए हैं उनको नजरअंदाज कर दो सो दिस शुड बी कंसिडर्ड अ वेरी गुड आंसर राइट सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो आई हैंग इट सी इन द नेक्स्ट वन थैंक यू